व्यक्ति कहते हैं जिंदगी में मन को समझाते हैं, जानते हैं हमारे शरीर के अंदर जितने भी इंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, और ये इनमें से सबको कंट्रोल करने की क्षमता, जैसे रथ में घोड़ों को लगाम से खींचने पर कंट्रोल होते हैं, ठीक इसी प्रकार जितने भी इंद्रियां विषय की ओर दौड़ती हैं उनको लगाम की भांति एक लगनशील बनाने के लिए मन हमारा कंट्रोलिंग पावर वाला है। ध्यान देना, इसी को योग दर्शन में कहते हैं कि ये जो मन है, इसी मन को तुम नमन के साथ यदि मनन चिंतन करो तो मन मनमाने चलता नहीं। इसलिए मन ही इतना चंचल है और इतना बलशाली है, जो मन कहां से कहां हमें पहुंचा देता है। हम यहां सत्संग में बैठे रहते हैं लेकिन मन एक सेकंड भी नहीं लगता है, यदि थोड़ा सा ब्रेक फेल हो गया, अन्य मनस्क हो गए, तो यहाँ बैठे बैठे शरीर तो रहता है, ताली भी बजती, ताली बजती रहेगी, लेकिन मन कहीं बाहर घूमता रहता है। इसलिए कभी कहते हैं कि मन को कहीं ना कहीं लगाओ, लेकिन जानते हैं बहुत लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, लेकिन ध्यान देना, मन बिना लगे कहीं लगता नहीं। यदि सत्संग में, सेवा में, स्वाध्याय में, अच्छे चीजों में, कार्य में, कर्म में यदि मन को सहयोग नहीं कराओगे तो मन आपको विमुख कर डालेगा और मन विपरीत दिशाओं में संयुक्त होकर के आपको विसंगतियां पैदा करने में सहयोग बन जाता है। इसलिए मन बंधन का भी कारण है, मुक्ति का भी कारण है। इसलिए कहा, अरे मूढ़ मन कर रे भजन। मूढ़ क्यों कहते हैं जानते हैं? मूढ़ उसको कहते हैं जो विवेक रहित व्यक्ति है, जो विवेकहीन होकर के मोह से, द्वेष से, राग से ग्रसित है, जो मोह से, अज्ञान जड़ता से ग्रसित है, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कहा जाता है शास्त्रों में। इसलिए मन जब अविवेक से ग्रसित हो जाता है और विषय इंद्रिय और मन जब संयुक्त हो जाते हैं तो अनगिनत कार्य हमारे शरीर के द्वारा हो जाते हैं, हमारे इंद्रियों के द्वारा अनगिनत विपरीत कार्य हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है मन को मते न चलिए, मन का मति अनेक। इसलिए मन को कंट्रोलिंग करना ही एक साधक है। इसलिए भगवान जब गीता में उपदेश करते हैं तो अर्जुन प्रश्न करता है, हे भगवान, आप जो योग के बारे में कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ बलवत दृढ़म, हे कृष्ण, यह मन अति चंचल है और प्रमाथी। मन का दो विशेषण प्रयोग किया है अर्जुन ने, कैसे प्रयोग किया है? ये मन तो है लेकिन कहा है चंचलम ही मना कृष्ण, अति चंचल चलनशील है, और कहा गया है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, इतना बलवान है, इतना दृढ़ है, इतना चलनशील है। और प्रमाथि, प्रमाथि मतलब बड़े बड़े साधकों को भी मन कभी कभी भटका देता है, अटका देता है, लटका देता है, झटका देता है महाराज। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि मेरा खाने में मन नहीं लगता, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन जिसको खाने में, पढ़ने में मन नहीं लगता होगा उसको जरूर पीने में मन लगता होगा। सब लोग जानते हैं खाने में मन नहीं लगता है, करने में मन नहीं लगता है, क्या लगता है? महाराज मोला वही अंग मन लागते, कौन गांव के बाहर में थोड़ा देसी विदेशी मिलते वही अंग मन हर ओला एक बार लगा दे महाराज, आ हा 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 कि आनंद करते उड़िया में। तो इसलिए हम मन को सही दिशा में देना सीखें, मन को मनन लगाएं। देखिए मन न दो न है, यदि एक न को उधर लगाओगे तो नमन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? पहले हम यदि नमन करना सीखें माता पिता गुरु ब्राह्मण को और अपने इष्ट देव को नमन करना सीखें, अर्थात नमन, इसलिए नमन लगा दो और मन लगा दो और माँ के बाद बराबर उधर लगा दो तो मनन हो जाएगा। इसलिए आइए हम सब अपने आप को थोड़े चिंतन करते हुए एक भक्ति संगीत गाएंगे और उसके बाद आगे पुनः प्रारंभ। इसलिए मन को लगाओ,
देख ले देखना, जितने व्यक्ति मेरा मन नहीं लगता वो लोग सही रास्ते में, तो मन को भजन में, कर्म में, स्वाध्याय में, सेवा में कहा है मन को इतना व्यस्त लगा दो तो आप मस्त रहेंगे। मन आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, विषय की ओर आपको भटका नहीं सकता है, इसलिए साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। कभी कभी आप गलत विचारों वाले लोगों के साथ बैठोगे, इसलिए सत्संग कहते हैं। सत्संगते निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। ये सिद्धांत है हमारा। मन को जोड़ना सीखो। आप जो काम करते हैं, जिस समय यदि आप पूजा करते हैं तो पूजा में मन को लगाए, जिस समय स्नान करते हैं मन पूर्वक स्नान करें, जिस समय स्टडी करते हैं पूरा 100% स्टडी करें, जिस समय नांगर फांदते हैं तो उस समय मन को सही सलामत लगाएं। इसलिए जो काम जहां किससे बात करनी है तो लोग बिना मन से बात करेंगे, कुछ इधर उधर खोपड़ी खुजलाते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे नीचे देखते रहेंगे, खोपड़ी खुजलाते हैं, आपको बिना मन से बात करेंगे। इसलिए जो भी हमारे अनर्थ का कारण होता है वो मन के कारण होता है। इंद्रियां इतना प्रबल नहीं होती हैं, इंद्रियां विषय और मन तीनों का संयोग होने पर जीवात्मा ये शरीर में बैठा हुआ है। ये शरीर हमारा रथ है, इंद्रियां घोड़ा है, विषय घोड़े के घास है और मन इसका लगाम है, आत्मा इसका रथी है, ऐसे शास्त्र में आया है। इसलिए भगवान कृष्ण महान योद्धा कुरुक्षेत्र में अर्जुन जैसे योद्धा के सारथी बने थे। अर्जुन का रथ निश्चय गति से चला, क्यों? भगवान उसके सारथी थे। हमारा जीवन रूपी रथ को चलाना है तो हम मनमाने न चलें, भगवान को हम मन बुद्धि को अर्पण करके हमारे जीवन रूपी रथ के डोर को भगवान के हाथ में अर्पण कर दे तो महाराज हमारे जीवन रथ जीवन रूपी युद्ध में विजेता बन करके हम सफल हो जाएंगे, हमारी रथ की यात्रा सफल हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भीम भोई उड़िया भाषा में एक भजन लिखे हैं, उसको गाते हैं। कवि जी प्रार्थना करके भगवान को पुकारते हैं रोते रोते, हे भगवान मेरी आवाज मेरी आह्वान क्यों नहीं सुन रहे हैं, मैं अज्ञान से भ्रमित हूँ और मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, मैं माया और मोह में पड़ते हुए आपका चिंतन करना छोड़ दिया, इन विषयों की वासनाओं से मैं कैसे मुक्त हो जाऊँ, ऐसे रो रो करके भगवान को प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे डाक न सुन कि पाई, प्रभु हे, देखिए हम भजन गाते समय इधर उधर कलकल नहीं करना। जिनको सत्संग में मन नहीं लगता, हमें बोला ना मन उनको लगता नहीं, कहीं दूसरे जगह लगता है, उन लोगों को खुद नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ना अपने सुने ना दूसरों को सुनने दे, ऐसे लोग घर खतरनाक समाज के लिए और सत्संग के लिए घातक होते हैं। मौन रहना सीखो, इसलिए जीवन में आप अपने आप को सुधारना। देखिए दुनिया में आपको कोई ब्रह्मा जैसे गुरु आने पर भी हमको सुधार नहीं सकते हैं जब अपने आप को हम नहीं सुधारेंगे। शास्त्र वही है, वेद वही है, सूर्य चंद्र वही है, गुरु उपदेश साथ भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनने के बाद पूर्णाहुति हो जाएगी तो फिर ब्रॉयलर के लाएंगे और वही देसी गिलासों के चक्कर में रहेंगे, क्या भागवत सुनेंगे? भागवत भगवान वेदव्यास ने कहा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णां, ऐसे भागवत में आता है। कितने सुंदर, एक श्लोक को व्याख्या करोगे तो एक घंटा लगेगा। सेवस्व साधु पुरुषान कहा है भागवत में, किसकी सेवा करें हम? तो आइए भीम भोई की एक प्रार्थना को हम गाएंगे भजन के माध्यम से। इसलिए मन को मनन पूर्वक शांति से बैठेंगे। देखिए आपको अलग कुछ करना नहीं पड़ेगा, जहाँ सत्संग होता है मन को एकाग्रता के साथ बैठेंगे तो आपका भजन हो जाएगा, साधना हो जाएगी। एक तो थोड़े देर एक दो घंटे बैठेंगे तो आसन की सिद्धि होगी। योग दर्शन में आया है हर व्यक्ति को पद्मासन नहीं तो कम से कम सुखासन में 15 मिनट ध्यान के मुद्रा में बैठने की आदत होनी चाहिए। बिना हिले डुले जो पूजा अर्चना करते हैं अपनी पूजा रूम में तो कम से कम 15 मिनट सिद्ध आसन से बैठने की आदत होनी चाहिए।
आज तो लोग जूता चप्पल भी निकालते नहीं, डाइनिंग टेबल में खाते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं, इतने बड़े बड़े लोहे के चम्मच को एकदम तिलसुल के जैसे रखते हैं, उसमें गुब गुब ऐसे छेद कर देते हैं और मुंह में ठूसते हैं राक्षस जैसे। न भोजन की आधार, न भोजन करने की विधि, न भोजन करने की तरीका, न भोजन करने का आनंद, केवल गरुआ भैंसा जैसे पेट भरना बिना विधि से। आइए